क्या बीजेपी से गठबंधन जारी रखने के मूड में नहीं है शिवसेना? उद्धव शाह की मुलाकात से पहले बीजेपी को शिवसेना की दो टूक। अपने रूठे साथियों को मनाने की राह पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए उनकी संपर्क फॉर समर्थन यात्रा का पहला पड़ाव ही बेहद मुश्किल रहने वाला है। अपने इस अभियान के तहत अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इससे ठीक पहले शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लेख में शिवसेना ने एक बार फिर से कहा कि वो 2019 का चुनाव अकेले लड़ेगी। बीजेपी पर पालघर में उपचुनाव में साम दाम दंड भेद से जीतने का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने उसे किसानों और पेट्रोल के बढ़ते दामों जैसे मुद्दों पर भी घेरा। इतना ही नहीं, मुखपत्र सामना में लिखा है कि एक ओर जहां मोदी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, तो वहीं शाह पूरे देश में घूम रहे हैं। बीजेपी को उपचुनावों में हार मिली है, क्या इसलिए अब उसने सहयोगी पार्टियों से मिलना शुरू कर दिया है? शिवसेना ने लिखा है कि भले ही अब वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ गए, नीतीश कुमार भी अलग बयान दे रहे हैं। इससे पहले अमित शाह के उद्धव से होने वाली मुलाकात को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि मेहमान का स्वागत करना मातोश्री की परंपरा है, लेकिन इस मुलाकात के लिए शिवसेना का अपना कोई एजेंडा नहीं। उद्धव की शिकायत रही है कि बीजेपी सत्ता पाते ही शिवसेना के एहसानों को भूल गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीजेपी और शिवसेना ने 2014 के बाद से जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, वो 2018 में प्रतिद्वंद्विता तक आ पहुंची है। पालघर सीट के लिए लोकसभा के उपचुनाव में ये साफ नजर आया। बीजेपी काफी कोशिश करके ही ये सीट जीत सकी। हालांकि शिवसेना महाराष्ट्र और केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में शामिल है, बावजूद इसके शिवसेना बीजेपी और दोनों सरकारों पर हमलावर है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि उद्धव शाह की मुलाकात के दौरान दोनों दलों के रिश्तों पर जमी बर्फ की चादर पिघलती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।